तो भाई लोग गिफ्ट ऑफ लाइट में मैंने यहाँ पास कर दिया 5 का स्पिन, और देख सकते हो यार मेरे को 2 लेजेंडरी बंडल मेरे को यहाँ पास मिल चुका है, और उसके साथ साथ 5 दिया भी मिल चुका है। और इसके साथ साथ हम लोग के गेम पे आया हुआ है डबल डायमंड टॉपअप, जिसमें हम लोग को डबल डायमंड्स देखने को मिल रहा है, जैसे कि 800 के टॉपअप पे सीधा 2000 डायमंड मिलेगा, ठीक है। और उसके साथ साथ यार हम लोग के गेम पे आया हुआ है न्यू डायमंड रॉयल का बंडल, जैसे जो मेरे को 1 स्पिन में मिल चुका है, ठीक है। तो ये मेरे को कैसे मिला इसको देखने के लिए ना यार वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, और जो चैनल पर नए हो चैनल को ऐसे जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ एक छोटे से इंट्रो के बाद। तो भाई लोग सबसे पहले यार अपन टॉपअप इवेंट कंप्लीट कर लिया, जैसे कि आप लोग देख सकते हो मेरा जो टॉपअप इवेंट है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। जो डबल डायमंड टॉपअप इवेंट है हम लोग के गेम पे आया हुआ है, जो आज ही आया है, वो मेरे में कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पास आप लोग देख सकते हो मेरे को डबल डायमंड मिले जा रहा है, ठीक है। पहले 500, उसके बाद 200, उसके बाद 100, मतलब टोटल 1000 डायमंड मेरे को एक्स्ट्रा मिला, मतलब 800 रुपये के टॉपअप सीधा मेरे को 2000 डायमंड यहाँ पास मिला हुआ है। और मेरे पास डायमंड आप लोग देख सकते हो 2381 डायमंड। इसको अपन गिफ्ट ऑफ लाइट इवेंट में, मतलब दिवाली वीस इवेंट पर अपन यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हो डायमंड रॉयल आ चुका है हम लोग के गेम पर, तो इसके यार ट्राई करेंगे 1 स्पिन में निकालने का, और देखते हैं यार 1 स्पिन में निकलता है कि नहीं निकलता। तो भाई साहब ओह माय गॉड निकल गया, ओह माय गॉड वाओ। तो भाई लोग जैसे कि आप लोग देख सकते हो यार मेरे को जो न्यू डायमंड रॉयल का बंडल है वो सिर्फ 1 स्पिन में मिला हुआ है, ठीक है। तो 1 स्पिन नहीं मिला आप लोगों को बता दूं मैं पहले, ठीक है, क्योंकि यार मेरा जो लक था वो 99 था, तो 1 स्पिन करने पे मिल गया। 100 होने पे डायमंड रॉयल का बंडल तो मिलता ही है, तो 100 में मेरे को रेयर आइटम मिल गया, मतलब जो डायमंड रॉयल का न्यू डायमंड रॉयल बंडल है वो मिल गया। और बंडल उतना ज़्यादा खास भी नहीं है, सिर्फ उसका बाल ही सही है, ठीक है। उसके बाद अपन यूज़ करेंगे डायमंड्स अपने यार, ठीक है। तो डायमंड यूज़ करने के पहले अपन क्या करते हैं, ट्रिक आजमाते हैं भाई, अपन एडम चचा ले लेते हैं। उसके बाद यार दिवाली विश मतलब लाइट ऑफ क्या है भाई, गिफ्ट ऑफ लाइट इवेंट में यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले अपन एडम चाचा ले लें, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, ठीक है। तो एडम चाचा लेके मारने का जो ट्रिक है ना वो अलग ही रहता है भाई, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ने एडम चाचा ले लिया है, और गोल्ड रॉयल पर भी स्पिन कर ले। अब सीधे चलते हैं भाई हम लोग इधर लाइट ऑफ गिफ्ट, या गिफ्ट ऑफ लाइट यार क्या ही बोले यार, गिफ्ट ऑफ लाइट इवेंट है, दिवाली वीस इवेंट बोलना चाहिए इसको, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो मैंने पहले भी इसमें स्पिन कर चुका है, और ब्रेक डांसर बंडल मैंने निकाला था, तो वो वाला वीडियो आप लोग जरूर चेकआउट कर लेना, लास्ट में मैं दे दूंगा एंड स्क्रीन पर। तो सबसे पहले अपन सीधा 5x का स्पिन करते हैं, और देखते हैं अपन को क्या मिलता है। तो भाई लोग मेरे को वही बंडल मिला जो मेरे पास पहले से अवेलेबल था, सभी के सभी बंडल्स मेरे पास पहले से अवेलेबल है यार। तो कोई बात नहीं, ये जो टोकन में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब दिया वाले टोकन में कन्वर्ट हो जाएगा, पर दिल से बुरा लगता है यार, मतलब सारे के सारे बंडल्स मेरे पास पहले से थे, वही बंडल्स इन लोग को देना होता है भाई। तो ये देख के ना मेरे को सबसे ज़्यादा बुरा लगता है, ठीक है। जो बंडल मेरे पास पहले से वही बंडल देते हैं, तो ये सबसे मतलब 900 डायमंड ऐसे ही कट गया भाई, ठीक है। कोई मतलब का नहीं हुआ, जो एक्स्ट्रा डायमंड मिला था मेरे को डबल डायमंड टॉपअप इवेंट में, तो 900 डायमंड ऐसे ही कट गया भाई, ठीक है। और दिया आप लोग देख सकते हो 18 हो चुका है, ठीक है। तो 1 स्पिन अपन और कर सकते हैं, यहाँ पर सीधा 5 वाला स्पिन करते हैं, और देखते अपन को क्या मिलता है। ओ भाई तो भाई लोग इस बार मिला है भाई तगड़ा वाला बंडल, जैसे कि आप लोग देख सकते हो बुलेट डांसर बंडल मिला है, उसके साथ साथ बीच वाला बंडल का नाम क्या है, एंग्री ड्वार्फ बंडल, ठीक है। उसके बाद बीच वाला बंडल तो मेरे पास पहले से था, उसके साथ साथ प्रो कैचर बंडल मिला, जो बहुत ही ज़्यादा औसम बंडल है भाई, मस्त बंडल है, ठीक है, प्रो कैचर बंडल। और यहाँ पास 5 दिया भी मिला है, और यहाँ पास 7 दिया भी मिला, तो यहाँ पास मेरा 25 दिया हो गया। तो एक बंडल अपन एक्सचेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कौन सा बंडल एक्सचेंज करेंगे यहाँ अपन को समझ नहीं आ रहा है। तो यहाँ पास आप लोग देख सकते हो 20 दिया वाला बंडल अपन एक्सचेंज करेंगे। तो यहाँ पास मेरे को यार 2 ही बंडल पसंद है इसमें से, एक जो है ये सर्फ राइडर बंडल, और बहुत सारे अच्छे अच्छे बंडल्स हैं यार, बहुत सारे, मतलब एक बंडित वाला भी बंडल है, ठग लाइफ वाला, यार क्या नाम है उसका नहीं पता, वो ब्लैक वाला जिसका ब्लैक पैंट होता है। तो एक है डॉक्टर सेंटी बंडल, तो ये वाला एक्सचेंज कर लेते हैं अपन, 20 दिया में तो एक्सचेंज हो ही जाएगा। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो मेरे को डॉक्टर सेंटी बंडल भी यहाँ पास मेरे को मिल चुका है, जो बहुत ही ज़्यादा औसम है। तो ये हुई ना भाई अच्छी वाली बात, तो मज़ा आ गया, ठीक है। तो यहाँ पास मेरे को भाई बहुत ज़्यादा डायमंड लगे, 1500 डायमंड में मेरे को 3 बंडल मिला है मेन, ठीक है, 3 अच्छा सा बंडल मिला है, उसके बाद बाकी सब घटिया है, ठीक है। तो यहाँ पास भाई एडम चचा काम आ गया है, ठीक है, अपना एडम जो चचा होते हैं ना भाई, मस्त काम कर गया भाई, ठीक है। तो 1500 डायमंड में 3 बंडल यार अच्छी बात है, ठीक है। तो बंडल वाले सेक्शन में आप लोग देख सकते हो मेरे को मिला हुआ डायमंड रॉयल का बंडल। तो डायमंड रॉयल का बंडल इतना खास नहीं है आप लोग को बता दूँ, इसका जो बाल है वही अच्छा है, उसके साथ कोई सा चीज़ भी अच्छा नहीं है भाई, ठीक है, पूरा टट्टी है।
इतना आप लोगों को बता देता हूँ। उसके साथ साथ आप लोग देख सकते हो ये वाला, तो ये वाले बंडल को जो कैप है ना यार, कैप वाला जो पार्ट है मतलब हेड, आप लोग कैप देख सकते हो, इसका जो कैप है बहुत ही ज़्यादा ऑसम लगता है मेरे को, तो इसका कैप मेरे को मस्त लगता है भाई, ठीक है। तो ये वाला बंडल आप लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। उसके साथ साथ आप लोग देख सकते हो डॉक्टर सैंटी बंडल, तो ये वाला बंडल ही बहुत ही ज़्यादा ऑसम, इसका जो बाल है, इसका जो मास्क है वही अच्छा है, बाकी सब तो उतना खास नहीं है, ठीक है, इस वाले बंडल का। उसके साथ मेरे को मिला है बुलेट डांसर बंडल और एंग्री ड्वार्फ बंडल, ठीक है। तो इतने सारे बंडल्स तो अपन को मिला हुआ है, और मैंने पहले भी बंडल निकाला था, ब्रेक डांसर बंडल निकाला था, उसके साथ साथ बहुत सारे बंडल्स भी निकाला था। तो वो वाला वीडियो का जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसमें मैंने 5000 के आसपास डायमंड वेस्ट किया था। तो वो वाला वीडियो अगर नहीं देखे होगे तो उसको जाके ज़रूर देखे यार, उसमें 5000 डायमंड का चूना लगा हुआ था, और इसमें तो 1500 डायमंड यार 3 से 4 बंडल निकल गया, तो वो अच्छी बात है, ठीक है। तो मेरे को तो मज़ा आ गया, ठीक है। और डबल डायमंड टॉप अप यार अच्छी है, अच्छा है, कर लो, मतलब 800 का करो ये नहीं बोल रहा हूँ, 100 वाला भी कर सकते हो, 180 वाला कर सकते हो, 80 में 200 डायमंड मिल जाएगा, ठीक है, आराम से यूज़ करना अपना जो जिसमें मन करे, ठीक है। तो वीडियो आप लोग को कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, और जो जो चैनल पर नए होना चैनल को ऐसे जो सब्सक्राइब करना भाई, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ऑल पे सेट करते रहो, और मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, टाटा।